नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस ही है, लेकिन हीमोस्टेसिस इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल में समझा था पूरा स्टेप, जो स्टार्टिंग से अंत तक का स्टेप हमने समझ लिया था कि कैसे कैसे हमारा क्लॉटिंग बनता है। क्लियर है? आज का जो टॉपिक उसी में से जो हमारा थर्ड स्टेप था, ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन कैस्केड, या इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, तो इसको हमने डिटेल में समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रोसेस है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू सवाल बहुत सारे बनते हैं, और आपके कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी जो लेंदी सवाल होते हैं 15-20 नंबर के, वो भी बनते हैं। तो लिखना कैसे है, तो पहले आप समझ लीजिए, इमेजिनेशन के तौर पे समझेंगे बेहतर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो समझना बहुत ज़रूरी है, समझ जाएंगे तो आराम से आप लिख भी सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में सवाल आएगा तो आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने देख लिया था कि वेस्कुलर स्पाम या वेस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन हमने देख लिया था, प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन कैसे बनता था वो भी हमने देख लिया था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस हमारा अच्छे से समझ में आ गया था, स्टेप बाय स्टेप समझ लिए थे। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को हमने समझना है कि ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन जो होगा, या कोगुलेशन कैस्केड जिसको हम बोलते हैं, कैस्केड क्यों बोलते हैं वो भी हम समझेंगे इसको। तो जैसे आप देखते होंगे कि आप ब्लड जब कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ब्लड जब आप कलेक्ट करते हो तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है तो कैसे है, लिक्विड फॉर्म में है, आराम से बह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन उसका हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, ठीक। लेकिन जब ब्लड चोट लगने के कारण बाहर आए, या फिर आप ब्लड का कलेक्शन कर रहे हो, जब किसी वायल में आप उसको रख दीजिए, तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि आपका नीचे सेटल डाउन ब्लड सेल्स होने लगते हैं, और यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है, और ऊपर आप देखते होंगे कि एक लिक्विड फॉर्म अलग सेपरेट हो जाता है, जिसको आप क्या बोल देते हो, सीरम बोल देते हो। ये लिक्विड है, अलग हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन इस तरीके से जाल के समान, ये जेल आप इसको बोल सकते हो, जेल लाइक स्ट्रक्चर, या क्या होने लगता है, लिक्विड फॉर्म से ये कठोर हो जाता है, जिसको आप बोल सकते हो जेल के समान, बहुत गाढ़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्लॉटिंग की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। क्लॉटिंग होने के कारण क्या होगा, जो फिब्रिन का स्ट्रक्चर बनेगा वो पूरा जाल बना लेता है, इस तरीके से जाल बना करके, चाहे आपके आरबीसी हो या फिर आपके डब्ल्यूबीसी हो, ब्लड सेल्स ये पूरे के पूरे को क्या करने लगता है, अपने अंदर जकड़ लेता है, इधर उधर नहीं भागने देता है। तो क्लॉटिंग की प्रोसेस में वही होता है, जब ये फिब्रिन स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरे ब्लड सेल्स को जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, तो कोई भी ब्लड सेल्स या ब्लड क्या है, इधर उधर नहीं भागेंगे। तो क्लॉटिंग के प्रोसेस में यही सेम चीज़ें होते हैं, लेकिन ये फिब्रिन या जेल लाइक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, उसी को अपने को डिटेल में समझना है, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लिखा हुआ चीज़ क्या है, अगर समझ में आ गया तो आप लिख भी सकते हो। देखो, नॉर्मली आपके ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है आपके वेसल्स के अंदर, ठीक, जब आप इसको बाहर निकालते हो बॉडी से तो ये थिकनेस हो जाती है और जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलता है, जेल बन जाता है। तो जेल सेपरेट हो जाता है आपके लिक्विड फॉर्म से, और स्ट्रॉ कलर लिक्विड दिखाई देता है, जिसको आप सीरम बोलते हो, समझा दिया मैंने। इज सिंपली ब्लड प्लाज्मा माइनस एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्यों, क्योंकि आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है या प्लाज्मा है वो सेपरेट हो गया, माइनस हो गया सीरम से, और सीरम आपका अलग हो गया, जहां क्लॉटिंग फैक्टर होगा क्लॉट होगा। दिस जेल इज कॉल्ड क्लॉट, इसी जेल को जो हम क्या बोल देते हैं, क्लॉट बोल देते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ इनसॉल्यूबल प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड फिब्रिन, है ना, ये फिब्रिन जो क्या होता है, इनसॉल्यूबल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जो यहाँ पर जाल के समान संरचना बनाता है, और यही जाल जो है आपका, विच फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, है ना, और ब्लड को जो है क्या कर लेता है, ट्रैप्ड कर लेता है, मतलब अपने पिंजरे में फंसा लेता है पूरे के पूरे। द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन, ये जो जेल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसी को हम क्लॉटिंग या कोगुलेशन कह देते हैं। तो वही जो चीज़ लिखी हुई है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आराम से आप उसको रिटर्न में लिख भी सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझना जरूरी है, पहले समझ अगर आप गए तो आराम से आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर अगला हमारा जो आ गया, कोगुलेशन ऑफ ब्लड ऑकर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ग्रुप सब्सटेंस। ग्रुप सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर है, 13, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है एक, आपके ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इनएक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं होंगे, अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्लॉट का फॉर्मेशन, खून का थक्का जम जाएगा। आपके ब्लड के वेसल्स के अंदर जब ये हैं तो आपके खून में इनएक्टिव फॉर्म में आराम से सोए हुए अवस्था में हैं, ठीक है। अगर इनको जगाना है तो कुछ ना कुछ होगा,
हलचल, तभी जा करके ये क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे। और जागने के बाद एक जागेगा पहले, एक जागा दूसरे को जगाएगा, दूसरा जागा तीसरे को, तीसरा जागा चौथे को, इस तरीके से एक दूसरे को जगाने की प्रोसेस चलती रहती है। साधारण भाषा में समझ रहे हैं हम, ताकि आपको समझ आ जाए। जगाने का मतलब होता है एक्टिवेट करना, ठीक है। इनएक्टिव से क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। एक इनएक्टिव फॉर्म में है, वो किसी के संपर्क में आया, उसको कहीं सिग्नल मिला, वो जागा। और क्लॉट के फॉर्मेशन आखिरी तक पहुंचना है, तो अकेले से काम नहीं चलेगा, पूरा ग्रुप है इसका, सब्सटेंसेस का, क्लॉटिंग फैक्टर का। तो ये पूरे ग्रुप में काम करते हैं। एक जाग गया, जाग करके दूसरे को जगाएगा। इसको हम समझने के लिए एक रिले रेस आपने देखा होगा, एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। रिले रेस को आपको, रिले रेस मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा है। रिले रेस कुछ इस तरीके से सर्कल बना होता है, ठीक है। तो इसमें एक व्यक्ति यहाँ पर इसको लकड़ी लेकर के यहाँ पर खड़े रखते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर खड़ा होता है, तीसरा यहाँ पर खड़ा होता है, चौथा यहाँ पर, आप मान सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता। और इनका लक्ष्य है यहाँ, ये लकीर खिंचा हुआ है, यहाँ तक पहुँचना। एक व्यक्ति पूरा सर्कल यहाँ तक, मंजिल तक नहीं जाता है। होता क्या है, ये लकड़ी लेकर के भाई साहब खड़ा है, जैसे ही विसिल बजेगा, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा, ये लकड़ी लेके भागेगा, भागेगा इसके पास आएगा, दूसरे व्यक्ति के पास। ये लकड़ी इसको दे देगा, ये यहीं रुक जाएगा, है ना। ये लकड़ी इसको दे देगा, ये व्यक्ति फिर लकड़ी लेके भागेगा, इसको दे देगा, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया। जब तक ये क्या थे, इनएक्टिव थे। ये यहाँ खड़ा था चुपचाप, ये भी यहाँ खड़ा है, ये भी यहाँ खड़ा है, ये भी यहाँ खड़ा है, अपनी अपनी जगह सब शांत खड़े हुए हैं। जैसे ये व्यक्ति दौड़ के आया, इसको विसिल सुनाई दिया, भाग के आया, इसको एक्टिवेट कर दिया, चल लकड़ी लेके भाग। ये लकड़ी लेगा तभी भागेगा आके, एक्टिवेट होकर के। इसको लकड़ी मिलेगा, ये लेकर के भागेगा। तो ऐसे जो है ये एक्टिवेट होते होते, और फाइनल ये बंदा, इसको लकड़ी मिलेगा, इससे लिया, और उसके बाद ये जा करके यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी रिले रेस जो है कंप्लीट होता है। सेम आप समझने के लिए, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए रिले रेस बताया, वैसे का वैसे प्रक्रिया यहाँ पर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर चलती है, जिसको हम अभी आगे जा करके समझने वाले हैं डायग्राम के मदद से। समझ आ गया, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखी हुई चीज़ क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए। तो दिस सब्सटेंसेस आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग। ये सब्सटेंसेस क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि आपके कितने हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। याद भी कैसे करना है वो भी हम आपको समझा देंगे। तो सीक्वेंसेस ऑफ क्लॉटिंग और एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी, कैस्केड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीरीज में चलने वाली प्रोसेस है। एक एक्टिवेट होगा, दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, इस तरीके से ये प्रोसेसिंग पूरी चलती रहती है, इसलिए कैस्केड बोलते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हम 13 पढ़ने वाले हैं, ब्लड में ये प्रेजेंट हैं, ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, जो कि एंजाइम के फॉर्म में हैं। किस फॉर्म में है, एंजाइम्स। अब आपने प्रोटीन पढ़ा होगा, वो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। और एंजाइम का काम आपको पता होगा कि एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं या उसको स्पीड प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप गाड़ी में एक्सेलरेट दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, उसी तरीके से एंजाइम कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको क्या कर देता है, स्पीड प्रोवाइड करता है। तो ये एंजाइम के फॉर्म में रहते हैं। अब जब आपका नॉर्मली आपके फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो ये इनएक्टिव प्रो एंजाइम है। कौन सा, इनएक्टिव प्रो एंजाइम, इसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ IP। जब नॉर्मली ये प्रेजेंट है तो इनएक्टिव फॉर्म में है। जो मैंने आपको समझा दिया वही चीज़ लिखा हुआ है, तो समझना जरूरी है। लिखी हुई चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं, तो रटना नहीं है आपको, समझना जरूरी, इसलिए हम आपको समझाने बैठे हैं कि आप समझें, फिर आपको लिखने में आसानी हो जाएगा। रटने बैठेंगे तो कोई काम नहीं आएगा आपका, क्लियर है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है सबसे पहले। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको हम बोल देंगे क्या, अभी प्रो एंजाइम बोल रहे हैं, तो प्रो एंजाइम आपका बन जाएगा क्या, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम बनेगा तभी, एंजाइम क्या है, रिएक्शन में स्पीड प्रोवाइड करेगा। प्रो एंजाइम है तब तक वो कुछ नहीं कर रहा है, शांत है, ठीक है। जैसे ही वो एंजाइम में एक्टिवेट हो गया, एंजाइम बन गया, एंजाइम आपका पता है कि एंजाइम का काम क्या है, तो हम इसको इनएक्टिव प्रो एंजाइम बोल देते हैं। दिस प्रो एंजाइम मस्ट बी एक्टिवेटेड इन टू एंजाइम टू इन्फोर्स क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन को अगर बढ़ाना है या उसको गति प्रोवाइड करना है या काम होना है क्लॉट फॉर्मेशन का, तो ये प्रो एंजाइम जो है किस में कन्वर्ट होगा, एंजाइम में कन्वर्ट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है, जो कि मैंने आपको समझा दिया।
इट इज़ कैरिड आउट बाय ए सीरीज ऑफ प्रो एंजाइम टू एंजाइम कन्वर्जन रिएक्शन। ये सीरीज में चलने वाली प्रोसेस है कि एक प्रो एंजाइम एंजाइम में अगर कन्वर्ट हो गया तो ये एंजाइम दूसरे प्रो एंजाइम को एंजाइम में कन्वर्ट करेगा, वो चौथे को करेगा, वो पांचवे को करेगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। फर्स्ट वही चीज़ लिखा हुआ है, फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज इज कन्वर्टेड इन एक्टिव एंजाइम। फर्स्ट सबसे पहले कन्वर्ट होगा एक्टिव एंजाइम में, दैट एक्टिवेट्स, ये एक्टिवेट होकर के सेकेंड वन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, और सेकेंड जो है फिर थर्ड को करेगा। दिस इज कंटिन्यू टिल फाइनल एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन, जब तक थ्रोम्बिन नहीं बन जाता है तब तक ये एक्टिवेशन की प्रोसेस चलती रहती है। अगर थ्रोम्बिन, हमारा टारगेट क्या है, जैसे उनका टारगेट था रिले रेस का फाइनल लकीर तक पहुंचना है तो वो जीत जाएगा, यहाँ हमारा टारगेट क्या है, थ्रोम्बिन। अगर थ्रोम्बिन बन गया इसका मतलब आपका क्लॉट फॉर्मेशन पक्का है, ठीक है। थ्रोम्बिन अगर बन गया, क्लॉट फॉर्मेशन पक्का है आपका, तो इसको बनना बहुत जरूरी है। तो कैस्केड रेफर्स एट ए प्रोसेस दैट ऑकर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप, ईच स्टेप इनिशियलाइजिंग नेक्स्ट, है ना। तो ये सीरीज में चलने वाली प्रोसेस है और एक जो है दूसरे को क्या करता है, इनिशिएट करता है कि भाई आगे आपको बढ़ना है या चलना है। तो इस तरीके से जो है चलता है। एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये प्रोसेसिंग जो है चलने वाली। अब 13 क्लॉटिंग फैक्टर को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है जो मेरे को मिला था, ये आप ट्रिक देख सकते हैं। फ्रेशर्स पार्टी टुडे कम ऑन, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन, आराम से याद हो सकता है ये। अगर आपको लाइन याद हो गया तो आपके हिसाब का है तो आप इसको याद कर सकते हैं। इनका फर्स्ट लेटर आपको उठाना है, एफ पी टी सी एल एस ए सी एस पी एच और एफ। इस तरीके से जब आप इनके फर्स्ट लेटर उठा लेते हैं इससे आपका क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएगा, बाकी याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर जब आप देखते हैं तो सबसे पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, इनको समझने के लिए जो लास्ट में लाइन लिखी है वो पहले समझ लेते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो नाम दिया गया है ये अधिकतर साइंटिस्ट के नाम पे हैं, हु डिस्कवर्ड देम, ठीक है, जिसने डिस्कवर दिया एज पर देयर एक्टिविटी, और उनके एक्टिविटी के हिसाब से इनको नाम दिया गया है, एक्सेप्ट फैक्टर नंबर 9। जो 9 नंबर का फैक्टर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिसमस फैक्टर, ये किसी पेशेंट में एबसेंट था तो उसके हिसाब से इसको क्रिसमस नाम दिया गया है, बाकी सारे के सारे साइंटिस्ट के हिसाब से उनके एक्टिविटी के हिसाब से नाम दिया गया है। अगला रोमन्स न्यूमेरिकल्स में इनको नाम दिया गया है क्लॉटिंग फैक्टर्स को, बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड, मतलब जिस जिस क्रम से इनको खोजा गया है या पाया गया है या डिस्कवर्ड किया गया है उसके हिसाब से इनको सीरीज में जमा करके रखा गया है। ये मत समझिए कि पहला वाला पहले एक्टिवेट होगा फिर यहाँ दूसरा फिर तीसरा, ऐसे नहीं होता है। जब अभी हम इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले नंबर पे कौन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर आप फिब्रिनोजन देख रहे होगे तो ये तो लास्ट वाली है कि फिब्रिनोजन से आपका क्या है, फिब्रिन कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये पहले तो होने वाली क्रिया नहीं है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन आपका जो है लास्ट में बनता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा नंबर क्या है आपका, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन इसके ऊपर वाली कॉमन पाथवे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप चले जाइए थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू फैक्टर है ये, तो ये कहाँ पर मिलेगा, एक्सटेंसिक में आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, कौन सा वाला फैक्टर नंबर 3 जो है आपका, इसको आपको याद रखना है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सटेंसिक पाथवे जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको कौन मिलेगा, ये टिश्यू फैक्टर। नाम भी स्पष्ट टिश्यू फैक्टर क्यों पढ़ा है, आपको एग्जाम्पल में पूछेगा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि टिशू फैक्टर के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है, उसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर और राइट आंसर आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, इसलिए आपको याद करना भी जरूरी है, क्लियर है। तो यही जो नाम दिया गया एफ से पी से टी से, है ना। और उसके बाद फोर्थ नंबर जो आपका कैल्शियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इतनी जगह है कि जैसे जैसे आप इंट्रेंसिक में पढ़ेंगे एक्सटेंसिक में पढ़ेंगे जो भी एक्टिविटी वहाँ हो रहा है एक्टिवेट करने का तो वहाँ पर इस कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द जितने भी जगह हैं जहाँ पर एक्टिवेशन का काम हो रहा है। तो इसलिए आप इसको कैल्शियम को याद रख लीजिएगा कि क्योंकि कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका लेबाइल फैक्टर, ठीक है, प्रो एक्सलरिन और एक्सलरेटर ग्लोबुलिन भी इसको बोला जाता है, पांचवे नंबर को। और ये फैक्टर नंबर 5 जो है जब आप देखेंगे 10th और 10th ए में जब कन्वर्ट हो रहा है लास्ट में, ठीक है, तो पांचवा नंबर का जो फैक्टर वहां पर देखने को मिलेगा।
तो पॉजिटिव फीडबैक जब मिलेगा तो इसी को मिलता है, और यही जो है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को और गति से बढ़ने के लिए मदद करता है। इसलिए फैक्टर नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। हैं तो सारे के सारे, एक नहीं अगर एक्टिवेट होगा तो आगे की प्रोसेस चलेगी नहीं, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट उनको मान लेते हैं जो कि लास्ट स्टेप में होता है या स्टार्टिंग कर रहा होता है या फिर बहुत जगह हेल्प कर रहा होता है रिएक्शन में, लेकिन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 6th पे जाएंगे तो ये वाला जो है अभी प्रेजेंट नहीं है या फिर इसको प्रूव नहीं किया गया है ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर पे स्टेबल फैक्टर है, प्रो कन्वर्टिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद 8th नंबर का आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। ये आपको पता होगा कि हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको पूछा जाता है कि हीमोफीलिया ABC, ठीक है, तीनों जो हैं अलग अलग एग्जाम में पूछेंगे कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के अब्सेंस के कारण होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनको भी आपको याद रखना है। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए के नाम से आपको जाना जाता है, किसको, ये वाला 8th नंबर। तो जब भी आपसे पूछेगा कि हीमोफीलिया ए किसके अब्सेंस में होता है तो फैक्टर नंबर आपको बताना पड़ेगा A8, ठीक है, आपको पूछा भी गया एग्जाम में। उसके बाद 9th की बात करेंगे तो क्रिसमस फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स भी इसको बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी इसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 10th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि आखिरी वाला जो है 10th, इंट्रेंसिक का हो या एक्सटेंसिक का हो, ठीक है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, 10th में। तो 10th ए में कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहाँ आपकी इंट्रेंसिक ख़त्म हो जाता है और एक्सटेंसिक भी ख़त्म हो जाता है, फाइनल स्टेप है। उसके बाद कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम समझेंगे उसको। अगला आपका कौन सा है, 11th वाला प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसिपिटेंट, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिडेंट, PTA, शॉर्ट में इसको क्या बोल देंगे, PTA। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कौन सा है, ये आपका सी वाला है। तो ए और बी और सी मैंने तीनों बता दिए हैं, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला है आपका 12th वाला, तो 12वें नंबर का है एजमैन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फैक्टर। अब इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर क्यों बोलते हैं, तो इंट्रेंसिक पाथवे इसी भाई साहब से स्टार्ट होगा। कैसे होगा, ये आएगा कॉन्टैक्ट में किसके, आपका जो एंडोथेलियम डैमेज हुआ है और वहाँ पर कोलेजन जो एक्सपोज हुआ है, प्लेटलेट्स तो आ ही रहा है ना, और ये वाला भाई साहब आएगा सबसे पहले और ये एक्टिवेट होगा। ये अगर एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस आगे तो चलना ही नहीं है ये समझो, तो इसका एक्टिवेट होना ज़रूरी है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा फर्दर, फिर देन ये आगे कंटिन्यू अदर्स जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट की प्रोसेसिंग यहाँ से चालू होती है, तो इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर बोला जाता है। क्लियर है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है MCQ में। लास्ट हमारा 13th क्लॉटिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये मैंने बोला फिब्रिनोजन से जो फिब्रिन बनता है ये लूज रहता है, कैसा रहता है, लूज। तो इसको अगर टाइट करना है या इसको अच्छे से स्टेबल करना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर कौन सा, 13। तो इसलिए इसका नाम दिया है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इतना समझ में आ गया आपको, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लॉटिंग फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे और इनको याद कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक दे दिया है, तो ये ट्रिक्स से आप इनको अच्छे से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप इनको ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ये लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर, इनके हिसाब से ये नाम दिए गए हैं, आप ये देख सकते हो मैच करके भी सारे मैच हो रहे हैं। आपको इसकी स्टेप समझनी है, स्टेप क्या क्या समझना है, स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग की स्टेज जब आप देखेंगे तो सबसे पहला नंबर जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तो इसको बनना जरूरी है, किसको, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। अगर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया इसका मतलब आगे जाकर के आपका प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन भी कन्वर्ट हो जाएगा और फिब्रिनोजन से फिब्रिन भी बन जाएगा। तो एक्सटेंसिक इधर से इंट्रेंसिक आ रहा है, इधर से एक्सटेंसिक आ रहा है, ये दोनों का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटर को बनाना। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया इसका मतलब आगे के तीन दो प्रोसेस जो हैं वो भी आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये स्टेजेस हैं ब्लड के, है ना, फर्स्ट जो है आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ऑकर थ्रू द 2 पाथवे, ये 2 पाथवे के द्वारा बनता है। पहला है आपका इंट्रेंसिक पाथवे, इनिशिएट किया जाता है किसके द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, विद इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है उसके द्वारा ये एक्टिवेट किया जाता है, यही कोलेजन के संपर्क में आता है। और उसके बाद एक्सटेंसिक पाथवे है, ये भाई साहब कहाँ से इनिशिएट हो रहे हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से स्टार्ट होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यूज, इंजरी जो हुए हैं, ठीक है, वहाँ से ये इनिशिएट होता है। तो ये दोनों के दोनों पाथवे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा डायग्राम से अभी आप देख लो, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहे हैं, 12, 11, 9, 8 इंट्रेंसिक पाथवे में कॉन्टैक्ट वाला है ये,
ठीक है। और यहाँ पर एक्सटेंसिक पाथवे है जो कि टिश्यू वाला है, सेवंथ नंबर से यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और फैक्टर नंबर टेंथ में जाकर के ये ख़त्म हो रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया था इनके लिए टेस्ट EPTT होता है, अभी मैं डिटेल में बता दूंगा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें। PT टेस्ट इनके लिए, फैक्टर कॉमन पाथवे यहाँ से चालू हो जाता है 5-2 और थ्रोम्बिन, और उसके बाद फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन जाता है। F और FDP ये वाले टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, वही चीज़ दिया गया है। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको समझ लेना है। ये डायग्राम में भी वही है जो कि टेस्ट है क्लॉटिंग पाथवे के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लो यहाँ पर कौन कौन से हैं, देख लो फटाफट। इंट्रेंसिक है तो इसके लिए APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है, इतने क्लॉटिंग फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, 12 है, 11 है, 9 है और 8 है, और उसके बाद आखिरी में जाकर के आपका 9 नंबर का है। और एक्सटेंसिक पाथवे हैं तो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम है PT, ठीक है, और 10th के बाद यहाँ पर 5 इन्वॉल्वमेंट होगा और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इनको आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा है अगर कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेस्ट भी डिटेल में देखेंगे, क्लियर है। अब हम समझते हैं फाइनल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको समझने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि इस तरीके से ये आपका ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, यहाँ से कोलेजन एक्सपोज हुआ और इसके संपर्क में कौन सा आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, ये आपको दिख रहा है। एंडोथेलियल डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोज हो गया, तो कोलेजन जब एक्सपोज हो गया तो यहाँ पर प्लेटलेट्स भी इसके संपर्क में आता है, और दूसरा संपर्क में कौन से आ रहे हैं, आपका फैक्टर नंबर 12, ये 12 फैक्टर नंबर इसके कॉन्टैक्ट में आया, और एंडोथेलियल डैमेज हुआ, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें रिलीज हो रहे हैं, कैलकेरिन और हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, जो क्या करेगा, ये हेल्प करता है, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर है कौन सा 12 नंबर, इसको एक्टिवेट करता है कौन सा 12A में, मतलब ये एक्टिवेट हो गया, 12 जो है 12A में क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। हेल्प कौन कौन से कर रहा है, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से ये हेल्प कर रहा है इसको एक्टिवेट होने के लिए, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो ये 12A जो है फर्दर किसको जगाएगा, ये 11th नंबर का फैक्टर जो यहाँ पर है इसको बोलेगा भाई साहब जाग जाओ, एक्टिवेट हो जाओ, किसकी उपस्थिति में, और कौन हेल्प कर रहा है, हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, जो यहाँ पर प्रेजेंट था वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है काइनोजन, तो ये आकर के यहाँ पर हेल्प कर रहा है कि 11th को जो है एक्टिवेट कर देगा, किस में, 11A में एक्टिवेट कर दिया। अब 11A एक्टिवेट हो गया, अब 11th जाएगा किसके पास, 9th के पास, कैल्शियम इसमें हेल्प कर रहा है, मैंने बोला था कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम जो आपका फैक्टर था कौन सा 4th नंबर का, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैल्शियम यहाँ पर हेल्प कर रहा है 9th को 9A में कन्वर्ट होने के लिए, तो 9A आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, अब ये जाएगा किसके पास, 10th के पास, और कौन कौन मदद कर रहा है इसका, 8th नंबर का फैक्टर यहाँ पर है, और उसके बाद कैल्शियम, देखो कैल्शियम यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है कैल्शियम, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इसके मदद से ये 10th को जगाएगा और 10th एक्टिवेट हो जाएगा 10A में। तो जैसे जैसे एक्टिवेट हो रहा है, मैंने आपको बोला था A लगते जाते हैं इनके आगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि A हम क्यों लगा रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से कि 10th अब 10A में एक्टिवेट हो गया। अब ये 10A, या ध्यान से समझना, 10A जो है अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा, लेकिन 10A किसकी किसकी मदद ले रहा है, यहाँ से देखो जो ये प्लेटलेट्स कोलेजन के एक्सपोजर में आया था, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, फॉस्फोलिपिड, क्या रिलीज हो रहा है, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस आपको उधर भी देखने को मिलेगा, अभी हम देखेंगे कि कॉमन चीज़ें क्या क्या है। तो ये फॉस्फोलिपिड यहाँ पर आकर के हेल्प करेगा, और 5वां नंबर का जो है यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा, 5वां, जो कि लेबाइल फैक्टर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने बोला क्लॉटिंग फैक्टर आपको सारे याद कर लेना है। तो 5वें नंबर का यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर आपको दिख रहा है, और फॉस्फोलिपिड यहाँ से आया, और ये हेल्प कर रहे हैं किसको बनने में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर आपका इंट्रेंसिक पाथवे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया, मतलब यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो गया। 10th A यहाँ पर सेम है। अब हम आ जाते हैं एक्सटेंसिक पाथवे की तरफ। एक्सटेंसिक में क्या होगा, बाहर का है, इंट्रेंसिक तो अंदर की हमने बात कर लिया, क्या
वेसल्स डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोज हुआ, ये सारी क्रियाएं जो है संपन्न हो गई। अब टिश्यू बाहर से डैमेज हो रहा है तो दोनों क्रियाएं होंगे ना, बाहर से भी होगा अंदर से भी प्रोसेसिंग होंगी, तो दोनों जाकर के फाइनल आपको क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। तो अधिकतर चोट तो बाहर से ही आपको देखने को मिलता है, तो ये तो होना ही होना है। बहुत रेयर केस है जो कि अंदर से चोट हो रहा है, बहुत सारे केसेस में है ना, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या है, बाहर से ही चोट लग रहा है। तो टिशू आपका डैमेज हुआ है। अब ये टिशू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि मैंने आपको बताया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फैक्टर नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ से आपको ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, देखो यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड बन रहा था, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड आपका आया है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है और फॉस्फोलिपिड भी है। और दूसरा नंबर, 7th नंबर का जो है आपका कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, 7th नंबर का स्टेबल फैक्टर ये आ रहा है, और ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड और 7th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर आया, और ये 10th को जो है 10th ए में क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर भी 10th था और 10th ए था, यहाँ पर आपका क्या था, फॉस्फोलिपिड था, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड है, ठीक, और 10th ए और यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है उसके दौरान क्या क्या चीज़ है, देखो भाई कैल्शियम है, यहाँ पर भी कैल्शियम आएगा, है ना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है लेकिन कैल्शियम आपका यहाँ पर भी आएगा, ये याद कर लेना आप। तो 10th ए में एक्टिवेट हो गया। अब ये 10th ए को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है, एक्टिवेटर बनाने के लिए क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ से ये जो सिग्नल दिया गया है, कौन सा, फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड था, कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पर भी था, 5वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, यहाँ पर भी 5वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है। तो इस तरीके से ये आखिरी का जो स्टेप है ये दोनों में कॉमन है, चाहे इंट्रेंसिक हो या एक्सट्रेंसिक हो, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप समझ लीजिएगा इसको, है ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा, नहीं तो रट्टा मारोगे इधर का उधर, कहीं का कहीं क्लॉटिंग फैक्टर उल्टा सीधा कर दिया तो आपका क्लॉट बनेगा ही नहीं, एग्जाम में आप गलत लिख के आ जाओगे, फिर क्या ही मतलब होगा उसका, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, अब यहाँ से आपका स्टेज नंबर 1 खत्म हो गया, जो कि हम जिसकी बात कर रहे थे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दोनों पाथवे के द्वारा बन गया है, बनने के बाद हमारा स्टेज नंबर 2 स्टार्ट होता है। स्टेज नंबर 2 क्या है, देखो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये बना क्यों है कि ये जो भाई साहब था प्रोथ्रोम्बिन हमारा, कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, ठीक, इसको ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में अगर कन्वर्ट हो गया तो ये समझिए कि आपका क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। थ्रोम्बिन अगर बन गया तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर जो दो यहाँ पर सिग्नल दिख रहे हैं, तो ये थ्रोम्बिन बनने के बाद 5वें नंबर का मैंने क्लॉटिंग फैक्टर बोला था क्यों इंपॉर्टेंट है, है ना, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, सिग्नल भेजता है यहाँ पर 5वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को कि इस प्रोसेस को इंट्रेंसिक हो या एक्सट्रेंसिक हो, ये जो प्रोसेस होते हैं और इससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, इसको बोलता है कि ये प्रोसेस पॉजिटिव फीडबैक, इसको बोलते हैं, पहुँचाता है कि भाई बनने दो, अभी ज़रूरत है क्लॉट बनने का, बनने दो, जैसे ही खत्म होगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर भेजता है, तो इसको आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है थ्रोम्बिन इनको क्या, थ्रोम्बिन मदद भी कर रहा है, थ्रोम्बिन तो बन तो गया लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक भी भेज रहा है, किसको, 5वें नंबर पे, समझ आ रहा है, तो इसलिए ये एरो का निशान बना हुआ है, तो इसको भी आपको समझना है। अब ये थ्रोम्बिन से, अब ये थ्रोम्बिन जो है कहाँ काम आएगा, आपका जो फिब्रिनोजन है, ठीक है, कौन सा, आपका फिब्रिनोजन जो क्लॉटिंग नंबर 1 था, है ना, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, गलती से लग गया है, ये जो क्लॉटिंग फर्स्ट है फिब्रिनोजन, मैंने आपको बताया था कि फिब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फिब्रिनोजन ए में एक्टिवेटेड फॉर्म में। अभी फिब्रिनोजन क्या है, सब जो नीचे अवेलेबल हैं वो सारे क्या हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, इनको एक्टिवेट कर रहा है, किया जा रहा है, फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करना है फिब्रिनोजन ए में, या फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए। अब ये थ्रोम्बिन भाई साहब यहाँ आया और फिब्रिनोजन को जगाया, एक्टिवेट किया, और फिब्रिनोजन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये फिब्रिनोजन का मोनोमर जो आपका फिब्रिन होता है, मोनोमर क्यों बोला जा रहा है, अभी मैं समझाऊंगा लिखी हुई चीज़ पे, ठीक है, अभी केवल इसको समझ लो। तो ये फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिब्रिन भाई साहब अभी क्या है, लूज स्ट्रैंड है इसका, है ना, लूज है, अभी मजबूत नहीं है, तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक। और यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर देखो कौन सा है आपका, 13 जो मैंने आपको बताया था, ठीक, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर और कैल्शियम,
ये मिलकर के फिब्रिन को जो है फिब्रिन का टाइट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। फिब्रिन यहाँ जो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है वो तो लूज वाला है ना, ढीला डाला है। तो क्लॉटिंग नंबर जो हमने 13 बताया था फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो फिब्रिन को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। और यहाँ पर कैल्शियम भी हेल्प कर रहा है, कैल्शियम का देखो कहाँ कहाँ काम है, इतने सारे जगह पर, तब जाकर के फिब्रिन का जो है टाइट ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन बन जाता है। तो इतनी जो है ये पूरी प्रोसेस जो हमने समझा है, अब इसी को आपको लिखना भी है ना। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखना कैसे है उसको भी हम समझ लेते हैं, डायग्राम विथ रिटर्न दोनों चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा इसलिए हो रहा है ताकि आपको जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि भाई हमने समझ तो लिया, अब इसको लिखना भी है। जितनी चीज़ें हमने बोला है या समझा है उसी चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लिखना भी है। तो वो कैसे लिखेंगे उसको हम आगे समझते हैं। अब देखो जो चीज़ें हमने पिक्चर में समझा है इमेज के थ्रू, पूरी चीज़ें हमारे समझ में आ गया होगा। अब इनको रिटर्न में कैसे लिखना है डायग्राम के साथ साथ फटाफट समझते चलो। वही चीज़ें जो हमने अभी समझा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस पाथ पे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इनिशिएटेड बाय द प्लेटलेट्स विच आर विद द ब्लड इट्सेल्फ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो ये सीक्वेंस कैसे चलेगा, देखो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुआ, कॉन्टैक्ट में आया कोलेजन के, वही चीज़ें हैं। तो ड्यूरिंग इंजरी ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हुआ, एंडोथेलियल डैमेज हुआ, कोलेजन जो है आपका क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। ठीक, व्हेन फैक्टर नंबर 12, अब ये 12 जो है कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन, जब कोलेजन के कॉन्टैक्ट में आएगा इट कन्वर्ट्स इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12A। ठीक है, वही चीज़ जो डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ पर देख लो ये 12 जो है कॉन्टैक्ट में आया एंडोथेलियल डैमेज के और 12A में क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, वही चीज़ लिखा हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैलकेरिन एंड हाई मोलिकुलर वेट HMW शॉर्ट में लिखा है काइनोजन, जो यहाँ पर भी था कैलकेरिन और हाई मॉलिकुलर वेट काइनोजन, इसके प्रेजेंस में ये इसमें एक्टिवेट हो गया। इतना क्लियर है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब अगला है थर्ड नंबर, एक्टिवेटेड फैक्टर 12A कन्वर्ट्स करेगा फैक्टर 11 को किस में, इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 11A में। अब ये 11 वाला फैक्टर यहाँ पर देखो है ना, इसने क्या किया है, ये जो एक्टिवेट हुआ है 12th वाला, ये 11th को एक्टिवेट कर दिया 11A में। वही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है 11A में, प्रेजेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, यहाँ पर भी प्रेजेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन है, देखो यही लाइन लिखा हुआ है सेम। तो इसी तरीके से डायग्राम से अगर आपको समझ में आ गया तो आप रिटर्न फॉर्म में भी आराम से लिख सकते हो। तो रटने वाला काम नहीं करना है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको रटने का काम करते हैं कि जो चीज़ लिखा हुआ उसको हम रट लेते हैं और लिख के आ जाएंगे। तो रटिफिकेशन मत जाओ, डायग्राम आपको समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर है तो आराम से आप इसको लिख भी सकते हो। अगला पॉइंट देखो, चौथे नंबर द एक्टिवेटेड फैक्टर, अब देखो जो एक्टिवेटेड फैक्टर है 11A, कौन सा वाला, ये 11A, तो ये 11A फैक्टर जो है 9th को 9A में एक्टिवेट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4 कैल्शियम। ये देखो इसी लाइन को लिखा हुआ है ना, 11A जो है एक्टिवेट करेगा किसको, 9th को 9A में एक्टिवेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फैक्टर नंबर 4, उसके प्रेजेंस में इसको एक्टिवेट कर दिया, सेम चीज़ें हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पांचवें नंबर पॉइंट देखो, एक्टिवेटेड फैक्टर 9A, अब ये एक्टिवेटेड फैक्टर जो 9A है, एक्टिवेटेड फैक्टर 9A, यहाँ पर देखो एक्टिवेटेड फैक्टर 9A एक्टिवेट्स फैक्टर कहाँ गया, हाँ 9A ये वाला है ना, पांचवें नंबर पे हम हैं, 9A एक्टिवेट्स करेगा फैक्टर 10th to 10A इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम, ये वाला लाइन लिखा हुआ है। ये 9A जो है फैक्टर नंबर, ये एक्टिवेट करेगा 10th को 10A में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम है ना, और उसके बाद 8 नंबर फैक्टर है उसके प्रेजेंस में इसको एक्टिवेट कर दिया, लाइन लिखा हुआ है, सिंपल है। 6th नंबर है व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन, सिंपल समझो, व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन डैमेज ब्लड वेसल्स इन गेट एक्टिवेटेड। ये देखो यहाँ की बात कर रहा है, कोलेजन एक्सपोज हुआ है, एंडोथेलियल डैमेज हुआ है, प्लेटलेट्स इसके कॉन्टैक्ट में आया है, रिलीज करेगा क्या, फॉस्फोलिपिड, क्या रिलीज किया है, फॉस्फोलिपिड, समझ में आ रहा है ये वाले लाइन का मतलब, ये फॉस्फोलिपिड रिलीज किया है। अब क्या होगा, नाउ द एक्टिवेटेड फैक्टर 10A, अब ये जो 10A एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पर देखो ये जो 10A एक्टिवेट हुआ है, ये क्या होगा, रिएक्ट्स करेगा प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड, ये प्लेटलेट्स के फॉस्फोलिपिड से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एरो इसलिए बना हुआ है, रिएक्ट्स करेगा और
फैक्टर 5 टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और फैक्टर नंबर कौन सा है यहाँ पर, 5 नंबर का भी फैक्टिवेटर है ना, तो ये मिल करके आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेंगे, बना देंगे फाइनल आपका। दिस नीड्स द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, इसके लिए आपको किसकी भी ज़रूरत है, कैल्शियम, जो कि वहाँ पर लिखा नहीं गया था, मैंने लिख दिया था बाद में, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी और लिखा भी हुआ है यहाँ पे। फैक्टर 5 इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट्स ऑफ थ्रोम्बिन, जो ये फैक्टर 5 है ये ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक, ये 5 नंबर का जो फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देख लो ध्यान से, ये पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है, किसके द्वारा, पॉजिटिव फीडबैक जो हमने पढ़ा था अभी, पॉजिटिव फीडबैक आता है तो उसके द्वारा जो है ये एक्टिवेट होता है, तो इसको थ्रोम्बिन का जो है, थ्रोम्बिन के इफेक्ट से ये पॉजिटिव फीडबैक से एक्टिवेट होता है, वो तो हमने समझ लिया था। तो आई होप कि आपको ये लिखी हुई चीज़ें और डायग्राम से कैसे मैच करके इनको समझना है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इंट्रेंसिक पाथवे का। अगला चलते हैं, एक्सट्रेंसिक पाथवे को भी समझ लो। एक्सट्रेंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्सट्रेंसिक से कैसे बनेगा। इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएटेड बाय द, किसके द्वारा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंजर टिश्यू, जो कि इंजर टिश्यू से फॉर्म होता है। क्लियर है ये वाली लाइन जो कि हमने पढ़ी था, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कहाँ से एक्टिवेट होगा आपका, इंजर टिश्यू है वहाँ से। सीक्वेंस क्या है इवेंट्स इसका देखो, टिश्यू दैट्स आर डैमेज, टिश्यू डैमेज हुआ ड्यूरिंग इंजरी के दौरान, रिलीज होगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या रिलीज हुआ, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 लिख गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कंटेन, थ्रोम्बोप्लास्टिन अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ है भाई, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कितनी चीज़ें हैं देखो, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन, देख लो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड है किसमें, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में ऑलरेडी कंटेंट है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो लिख भी सकते हो, विच एक्ट एज ए प्रोटीलाइटिक एंजाइम, जो एक्ट करते हैं किसकी तरह, प्रोटीलाइटिक एंजाइम, प्रोटीलाइटिक एंजाइम का मतलब प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड चेंज के द्वारा बंधा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा, तोड़ेगा तभी जा करके एक्टिवेट होगा, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली जैसे हमने पढ़ा था ना, है क्या, प्रोटीन के ही बने हैं क्लॉटिंग फैक्टर, एंजाइम है, ठीक है, तो जब वो टूटेंगे और एक्टिवेट होंगे तो इस तरीके से वो प्रोसेस चलते रहते, एक्टिवेट होने का मतलब भी यही है, ठीक, तो ये किसकी तरह, प्रोटीलाइटिक एंजाइम की तरह काम करते हैं। अब अगला हमारा लाइन आ गया यहाँ पर देखो, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स कंपोनेंट्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर हमारे ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड ये सारी चीज़ें जो हैं ये कन्वर्ट्स करते हैं फैक्टर 10th को, ये वाला 10th नंबर फैक्टर है, ये हमने बताया था है ना, ये कन्वर्ट करते हैं 10th को, एक्टिवेट करेंगे 10th A में, किस में कर देंगे, 10th को 10th A में एक्टिवेट कर देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर कौन सा, 5, 6, 7 ये लिखा हुआ, देखो 7 नंबर का जो ये फैक्टर है, ठीक है, स्टेबल फैक्टर, समझ में आ रहा है, तो यहाँ से ये इसके प्रेजेंस में 10th को 10th A में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लिखा गया है, तो ये लाइन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, एक्टिवेटेड फैक्टर 10th A, अब देखो एक्टिवेटेड कौन सा है, ये वाला, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको डायग्राम के साथ साथ समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10th A विथ फैक्टर 5, किसके साथ, विथ फैक्टर 5 ये है, एंड फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड कहाँ से आया, यहाँ से आ रहा है, देखो एरो बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, जो कंपोनेंट्स है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के कंपोनेंट्स हैं उसके उपस्थिति में, और कैल्शियम भी है यहाँ पर और फैक्टर नंबर 5 भी है, 10th A किसको बना दिया आपके, एक्टिवेटर यहाँ पर बन गया आपका प्रोथ्रोम्बिन का, ठीक है, हमें बनाना ही क्या था, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेटर, ये सी है, क्लियर हो गया। तो ये एक्सटेंसिक पाथवे का सारी चीज़, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम आयन भी है, वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि हमने आपको समझा दिया है। तो ये हो गया आपका कौन सा, एक्सटेंसिक पाथवे, आगे चलते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है भाई, लिखी हुई चीज़ें और डायग्राम से हम कैसे समझते हैं। अब आते हैं हम कॉमन पाथवे पे, तो कॉमन पाथवे में स्टेज नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना है, ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल अबाउट थ्रोम्बिन
फॉर्मेशन, है ना। ब्लड क्लॉट अगर थ्रोम्बिन बन गया, मैंने बताया था फॉर्मेशन आपका क्लॉट का हो गया। वंस थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड, एक बार बन गया तो डेफिनेटली है कि आपका क्लॉट का फॉर्मेशन होगा इसमें। अब देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टेज नंबर टू क्या क्या है। पहला देखो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो ये था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, डायग्राम से भी समझते चलो, ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर था दैट इज फॉर्म्ड किसके किसके द्वारा बना है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे के द्वारा बना गया है, दोनों के द्वारा बना ना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स होगा प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्ट करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। देख लो यहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहाँ आ रहा है, ये थ्रोम्बिन को, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है। किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम, यहाँ पर भी कौन सा भाई साहब आ गया, कैल्शियम भाई साहब यहाँ पर भी है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वंस फॉर्म्ड थ्रोम्बिन, एक बार थ्रोम्बिन बन गया तो ये इनिशिएट करेगा द फॉर्मेशन ऑफ मोर थ्रोम्बिन। अब यही थ्रोम्बिन जो बना हुआ है, देख लो ध्यान से, यही थ्रोम्बिन जो बना हुआ है यही इनिशिएट करेगा कि बहुत सारे और भी प्रोथ्रोम्बिन बने, फॉर्मेशन ऑफ मोर थ्रोम्बिन, मतलब थ्रोम्बिन बनना है, मॉलिक्यूल्स बनना है। द इनिशियली फॉर्म्ड थ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स फैक्टर फाइव, जो ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट्स करने वाला फैक्टर नंबर फाइव है, इसको क्या करेगा, फैक्टर फाइव को जो है ये टर्न एक्सेलरेट फॉर्मेशन ऑफ बोथ एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक। मैं डायग्राम समझाते समय बताया था कि एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक दोनों के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है कि और सारे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते जाओ ताकि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन क्या हो जाए, कन्वर्ट होता जाए, ठीक है, ताकि आगे की प्रोसेस चलता रहे। तो ये पॉजिटिव फीडबैक देखो दोनों तरफ भेज रहा है किसको, पाँच नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को, है ना। तो इंट्रेंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा विच कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इन थ्रोम्बिन, वही चीज जो मैंने आपको समझा दिया है। दिस इफेक्ट्स ऑफ थ्रोम्बिन इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कभी पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट जो है कौन से फैक्टर नंबर को भेजा जाता है, तो आपको बताना है पाँच नंबर क्लॉटिंग फैक्टर को भेजा जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से भाई ये पूरा प्रोसेस जो है आपका ये वाला यहाँ तक थ्रोम्बिन वाला क्लियर होता है, स्टेज नंबर कौन सा, टू वाला, ठीक है। लिखना कैसे है आपको समझ में आ गया किस तरीके से लिखा गया है। अब हमारा आखिरी है स्टेज नंबर थ्री, अब ये कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। अब हमारा स्टेज नंबर थ्री क्या है, फिब्रिनोजन से क्या कन्वर्ट होना है, फिब्रिन, मतलब आपका लूज जो है यहाँ पर धागे नुमर संरचना बन जाएगा। ये कैसे बन रहा है देखो, फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन, ये किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, थ्रोम्बिन के द्वारा, कौन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन में बनने की प्रक्रिया। अब देखो इस तरीके से ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा धागे नुमर संरचना ये फिब्रिन का है ना, फिब्रिन स्ट्रैंड जो है ब्लड क्लॉट बनाता है, पूरे जितने ब्लड सेल्स हैं उनको क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पर फिब्रिनोजन ये एक्टिवेट नहीं है, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। फिब्रिनोजन से फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करना है तो ये थ्रोम्बिन भाई साहब आकर के इसमें मदद करते हैं, क्लियर है इतना, वही चीज़ लाइन लिखा हुआ है जो कि आपको समझना है। ये देखो सीक्वेंस समझो, इवेंट्स ऑफ स्टेज वन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट इनएक्टिव फिब्रिनोजन इनटू एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन, जो इनएक्टिव फिब्रिनोजन है वो एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएगा फिब्रिनोजन के, ड्यू टू लॉस ऑफ टू पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये समझो टू पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम ईच फिब्रिनोजन, जो ये फिब्रिनोजन में पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके टू पेयर्स जो हैं लॉस होंगे, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल किसके, फिब्रिनोजन के मॉलिक्यूल से, देन द एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन इज कॉल्ड फिब्रिन मोनोमर। अब ये जो फिब्रिन होगा एक्टिवेटेड, ये फिब्रिनोजन जो बनाएगा आपका, देखो यहाँ डायग्राम में ये एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन जो फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है ये क्या है, मोनोमर है, ठीक है, लॉसेस हुआ है, अब ये मोनोमर है, तब जाकर के क्या हुआ है, टूट गया है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और थ्रेड के समान, धागे के समान संरचना पूरा दिखाई दे रहा है, ये है इसका मतलब। अब जो दूसरा नंबर है फिब्रिन मोनोमर, ये क्या होगा, पॉलीमराइज होगा विथ अदर मोनोमर, जो अब ये फिब्रिन बना हुआ है, कौन सा, ये वाला फिब्रिन की बात हो रहा है अभी, इधर मत जाओ, है ना, ये वाले फिब्रिन की बात हो रहा है अभी, यहाँ पर ये फिब्रिन जो पॉलीमराइज होगा अदर मोनोमर के साथ, बाकी मोनोमर के साथ, तब होगा क्या, मॉलिक्यूल्स के साथ फॉर्म करेगा लूजली अरेंज्ड स्ट्रैंड ऑफ फिब्रिन, लूजली
यहाँ पर लिखा हुआ है लूज स्टैंड ऑफ फिब्रिन। लूज स्टैंड ऑफ क्या बना रहा है? फिब्रिन बना रहा है, अभी स्टेबल नहीं हुआ है। अब आएगा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की जब हम बात करते हैं, लेटर दिस लूज स्टैंड आर मॉडिफाइड, लूज स्टैंड को मॉडिफाइड करना है इनटू डेंस या टाइट फिब्रिन थ्रेड बाय, यहाँ पर आएगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये वाला फैक्टर आ रहा है जो कि लास्ट फैक्टर है, फैक्टर नंबर आपका 13, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर भी कौन हेल्प कर रहा है? ये कैल्शियम और क्लोटिंग नंबर 13। तो लूज स्टैंड ऑफ फिब्रिन है, इसको फिब्रिन का टाइट क्लॉट बनाना है, तो कौन सा है? कैल्शियम है और फैक्टर नंबर 13 यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसके हेल्प से ये बन रहा है। ऑल द टाइट फिब्रिन थ्रेड आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म ए मैस वर्क ऑफ स्टेबल क्लॉट। ये जो आपको स्टेबल क्लॉट देख रहा है मैस वर्क, तो ये जाकर के आखिरी में अंत में आपको जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका संपूर्ण क्या हो गया? क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस खत्म। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, लिखी हुई चीज़ भी, पिक्चर भी। तो इतना अगर आपने समझ लिया है तो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तब भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बेशक आपको समझना है, अगर एक बार में समझ नहीं आया दोबारा लेक्चर देखो, स्पीड बढ़ा करके देखो, लिखो, नोट्स बनाओगे तभी आएगा। ये डायग्राम को फ्लो चार्ट बनाओ, आप नोट्स के चक्कर में मत पड़ो कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएगा। अब खुद जब तक नोट्स नहीं बनाओगे दिक्कत होगा, ठीक है। तो MCQ बुक भी अगर आपको चाहिए है तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है 7610381548, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो MCQ बुक की जानकारी आपको मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर्स का मिल सके। थैंक यू सो मच।